साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं देव न्यूज। आइए आज हम बात कर रहे हैं 2022 चुनावी चर्चा। बबीना विधानसभा के बबीना के अंदर खड़ा हूँ। देख सकते हो ये मेन हाईवे है, ये मेन हाईवे है और बाजू में ही नया थाना है, जो बबीना थाना है, बाजू में बबीना थाना है। यहाँ पर देख सकते हो ये जो दुकान आप देख रहे हो चाय की, यहाँ पर अनेकों लोग आते हैं और चुनावी की चर्चाएं होती है आपस में कि आखिरकार कैसा प्रत्याशी होना चाहिए। तो हमारे बीच में लोग बाग जुड़ रहे हैं धीरे धीरे करके। पीछे करके घुमा दो थोड़ा कैमरामैन, लोग बाग देख सकते हो सब आ रहे हैं। सब जो कैसे हैं हमें मालूम, सबसे चर्चा करवे उनके पास जाने पड़े। हमारे बीच में भगवान मौजूद है। भगवान नमस्कार, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र सिंह कुशवाहा। आप ये बताइए कि 2022 में क्या जनता बबीना की मन बनाने जा रही है, क्या है? सर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, चाहे प्रदेश की जनता हो चाहे बबीना विधानसभा की जनता हो, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में जितने भी कानून आ रहे हैं, आप देखिए कि एक बीमारी है कोरोना, जब सरकार चाहती है कोरोना आ जाए तो आ जाता है, जब सरकार चाहती है चला जाए तो चला जाता है। आप देखिए किस प्रकार से इस सरकार ने अपनी मनमानी की है। जब कोरोना काल में हम लोगों को 3-4 काल कानून बनाए, एक मजदूरों के कानून बना हुआ है, एक किसानों को कानून बना है। पहले जो ये हमारे प्रधानमंत्री जी हैं ये कहते थे कि हम कानून बापों के बहुत अच्छे कानून हैं, भले के कानून हैं। मैं आपसे पूछता हूँ कि जैसे कोई आपके लिए चीज़ बनाई और आप उस काम को कर रहे हैं, जैसे उनके पिताजी चाय बेचते थे और उनके ऊपर चाय का कानून लगा दिया है उनके पिताजी के ऊपर, और कहते नहीं सही है, और उनके पिताजी कहते नहीं हमें चाय में नुकसान है, तो कैसे मान लीजिए? किसान बोल रहा है हम इसको कानून में नुकसान है, इस कानून से हमारा शोषण होगा, लेकिन वो बोल रहे सही है। जब उनको समझ में आया कि किसान हमारे हाथ की चीज नहीं है। कौन चाह रहे हैं 2022 में आप? तो हम 2022 में चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उधर से साफ हो। कौन सी पार्टी का मन बना रहे हैं? हम चाहते हैं कि इस प्रदेश के अंदर जो भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा था, तो संविधान के तहत हर एक समाज को, हर एक जाति को, हर एक धर्म को बराबर का अधिकार था, चाहे नौकरी हो, चाहे चाकरी हो, चाहे कंपनी हो, जहाँ भी हो, हमारे हर व्यक्ति को बराबर का अधिकार मिले, चाहे राजनीति क्षेत्र हो। इसलिए जिसकी जितनी संख्या आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हमारे बीच में लोगों साथी जुड़ चुके हैं, इनसे जानते हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार, आप बताइए 2022 में आखिरकार कौन सी पार्टी होना चाहिए? जो भैया ये कौन सी पार्टी से है? ये समाजवादी पार्टी से। तो बबीना के अंदर टिकट मांग रहे हैं क्या वो? हाँ। तो क्या देखा उनमें आप जो तारीफ कर रहे हो, क्या क्वालिटी है? वो ऐसे आदमी है के ऐसा नहीं है कि उनके लिए सोफा ही मंगाना पड़ेगा, उनको बोरे पे बिठा देंगे हम तो बैठ जाएंगे। अच्छा, और भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, देख सकते हो धीरे धीरे कैसे सवाल है। आप इतनी रहते बबीना में रहते हैं आप? बताइए बबीना में रहते हो तो बबीना में क्या देखोगे, मतलब समझते हैं समाधान हो रहा नहीं हो रहा? हमें अभी तक कुछ विकास नहीं हुआ है, कोई विकास नहीं हुआ। विधायक यहाँ रहे हैं, कोई विकास नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ। तो कहा है 2022 में मन बना रहे? 2022 में समाजवादी की पार्टी बराबर। सपा भी एक सवाल और करता है, चूंकि 5-6 प्रत्याशी दावेदारी कर रहे हैं बबीना क्षेत्र से, तो कौन सा प्रत्याशी सटीक आप नजर बिठा ले? हमारे पास ये प्रत्याशी भैया का फोन करेंगे, किसको करो? नील भैया। ये कहाँ से हैं? ये जिला के लड़के हैं। हमारे बीच में और भी साथी जो है उनसे भी जानते हैं कि आखिरकार दादा राम राम कहाँ से आ रहा है? बबीना से। तो कहा है आप खेती करत का काम, नौकरी चाकरी करत? खेती करत। खाद माद मिल रही नहीं मिल रही? यूरिया जो खूब मिल रही लेन में अलग अलग के, हम तो खूब देख रहे हैं खूब मिल रही और नहीं मिल रही। कहा कह रहे? तो कहा है 2022 में बदलाव कर रहे? बदलाव का कर रहे हैं, मोदी के मुकाबले है ही नहीं कौन नेता। अच्छा, मोदी जी दोबारा आना चाहिए, आना चाहिए। आइए हमारे बीच में और भी लोग जुड़े हैं। भाई साहब आप आ जाओ, ताना आप नाम को बता दो। रिजवान खान। अच्छा आप बताओ कहाँ है 2022? तो भैया क्या? अच्छा, कोई सपोर्ट करेंगे और किसी? ऐसी कहा है? बहुत बढ़िया। आइए अभी सज्जन कह रहे हैं मोदी जी ने इतना, मोदी जी ने क्या कर दिया, पब्लिक को परेशानी है, किसी ने कुछ नहीं कर दिया। हमारे बीच में और भी लोग जुड़ रहे हैं, इनसे जानते हैं कि आखिर कर कहा है इनकी मंशा। देखो जो गुट बना है, जो पूरे गुट बना रहे हैं, ऐसी कह दी बच्चा राम राम। नाम तो बता दो बच्चा। धर्मेंद्र यादव। आप बताइए यादव जी, किस प्रकार का यहाँ पे पार्टी होना चाहिए, सरकार आ जाए, बबीना को चमक जाए? अभी तो कुछ काम ही नहीं हुआ था, कुछ काम हुआ और भाई आ, कुछ नहीं हुआ, महंगाई हो गई कि त्रस्त हो गया। कहा है 2022 में? 2022 में तो यही है अखिलेश भैया। अखिलेश भैया। हाँ। अच्छा, हम चूंकि बबीना की बात कर रहे हैं, बबीना के अंदर 5-6 प्रत्याशी लोग दावेदारी कर रहे हैं पार्टी से, तो क्या मानते हो? मानते हैं मैं तो राजनीति करता नहीं हूँ जी, मुझे तो अपना किसान ही से मतलब है।
बीरू सीट सीट न कर पाएंगे तो बीरू भैया न कर पाएंगे। कौन निकाल पाएंगे? बीरू भैया। ये कहाँ से हैं? ये वीर प्रताप सिंह है। अच्छा, ये भी दावेदारी कर रहे हैं। क्या उनमें क्वालिटी है? ये तो मुझे नॉलेज सुनता हूँ मैं तो लोगों की, नकार पाएंगे तो कोई नकार पाएंगे। हमारे बीच में और भाई सर, सर क्या नाम है अपना? नाम तो बता दो। क्या नाम है आपका? आप बताइए, बबीना के अंदर आप रहते हो? बबीना के अंदर विकास की थोड़ी चर्चा कर लें, कैसा क्या विकास रहा है पाँच साल के अंदर? विकास के नाम पर जीरो है, जीरो है बिल्कुल। 2022 में क्या मन मना रहे हैं? पूरे खदेड़ा होगा, खदेड़ा होगा। क्या होगा? खदेड़ा होगा। खा गहरा भाई साहब, 22 में खदेड़ा होगा। कल्याण की बबीना विधानसभा में प्रत्याशी अनेक लोग दावेदारी कर रहे हैं, प्रत्याशी कैसा सटीक होना चाहिए? प्रत्याशी के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे टिकट देंगे, उनके लिए समर्पित होंगे सभी लोग। राम राम। राम राम। आपकी मूछन को सलाम, बहुत शानदार मूछे हैं आपकी। कहा है 2022 में मन मनना को नहीं मनना, कैसी सरकार होने चाहिए? कहा कह रहे मज्जा इतने के लोग बाग मनसा बना रहा है, एकजुट हो गए भाई साहब। साइकिल वाले आ गए, इनसे दौर जाना, तुमको कान ना कहा अपने भाई साहब? जितेंद्र, जितेंद्र जी आप बताओ 2022 में कैसी सरकार चाह रहे हैं आप लोग? साइकिल की चाह रहे हो, क्या चाह रहे हैं भाई साहब? हाँ भाई साहब, सरकार इतने तो साल से तो हमें मोहल्ला बयान न ढूंके नहीं है, वोट मांगे समेत तो आउट नहीं है। क्या कह रहे हैं आज में पाँच साल में? पूछो उनसे जाके कहूँ है पाँच साल में। अच्छा बताओ, आज तक पाँच साल में नहीं आए एकदम। लोग बाग त्रस्त हो गए कैसे? और थोड़ा मासन भाई साहब आपको ना हुआ है? कालीचरण आप तो हो गई चर्चा, क्या मानते हो कैसा चाहिए बदलाव 2022 में? मतलब कैसा बदलाव, कौन सी सरकार चाहिए आपको 2022 में? बात सुने पब्लिक के काम करे वो सरकार चाहिए, भरोसा है जब उतरेंगे तब मालूम पड़ेगा। अच्छा नमस्कार। नमस्कार, आप कहाँ से आए, कहाँ जा रहे थे? कौन नहीं खाता ही वहाँ पल्ले फसा है। आज मिल गई सही चल नहीं नहीं। अरे ऐसी ना बोलो, नहीं मिले नहीं रही, मिले नहीं ये दिया दुकान पे यार, मिले नहीं रही दुकान पे, दूसरा तरह से मिले नहीं रहो खाद, मिले नहीं रही सरकारी खाद। 2022 में दो तीन महीना रहेगा, चुनाव ही आवा तो बदलाव होना चाहिए कि नहीं? बदलाव है नहीं होना चाहिए, किसका भरोसा बना रहे आप? सपा है, सपा है, आपको किस पे भरोसा है? आपको हम बोल सपा है, क्योंकि बबीना में आप रहे तो थोड़ी बबीने की बात कर ले। पाँच छह प्रत्याशी लोग दावेदारी कर रहे हैं, वो प्रत्याशी सही सटी है? प्रत्याशी आए थे गाँव में, आते हाँ गाँव में। अच्छा, उन जैसा प्रत्याशी अच्छा है? हाँ भाई साहब, राम राम। खाना अपना इतना देखो कैमरा साइड, तुम बताओ बदलाव 2022 में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? साइकिल पे वोट गए, साइकिल पे दो परेशान होगा। चलो हम प्रत्याशी की बात करें तो कैसे प्रत्याशी चाह रहे हैं आप 2022 में? अबीना में, अबीना में अपने अखिलेश भाई का बन जाओ। नहीं, अखिलेश भैया तो मुख्यमंत्री बन जाएंगे, पूर्व मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री अगर जीत गई तो हम विधायक की बात कर रहे हैं, विधायक को प्रतिनिधि कह रहा, कैसा होना चाहिए? सही होने चाहिए। बहुत लोग दावेदारी कर रहे हैं, यशपाल जी कर रहा है, वीरेंद्र प्रताप सिंह यादव जी कर रहे हैं, और भी लोग हैं प्रत्याशी। चलो और भी लोग हमारे इनको जानते हैं। नमस्कार, बोल तो दो। राम राम। राम राम भैया, राम राम। हमारा नाम तो हदीस है। हदीस है, कहाँ है 2022 में? 2022 अगले अगले भैया है और कोई नहीं है। शादी है, ऐसी बात क्या कर रहे हैं? बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, हैं? बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। कह रहे हैं त्रस्त होगा तुम लोग बर्बाद। ये तीनों भाइयों को मैं कहाँ से पकड़ के लगा, मैं ही जाता हूँ, बहुत दूर बैठे थे हमने, इन्हें देखा भैया हमारे चैनल पर चर्चा हो रही, दो दो मिनट कह लो, कह रहा समय नहीं है, हमें समय तो कहना पड़े क्योंकि भाई साहब बदलाव की जरूरत किस प्रकार लोग बना रहे हैं बबीना के अंदर, तो इनसे जानते हैं। भाई साहब नमस्कार, धन्यवाद जो आपने हमें थोड़ा समय दो। 2022 में क्या चाहते हो, कैसा विधायक होना चाहिए, कौन सी सरकार होना चाहिए? भैया आपको एक बात बताऊं, हम लोगों ने तो ये सोच के देखा इनको, मोदी जी को और योगी जी को, इनका परिवार नहीं है तो ये जनता को परिवार की तरह पालेंगे, समझे? जिसका कोई नहीं है संतान पुरुष से तो परिवार की तरह पालेंगे, करे इन्होंने कुछ नहीं किया, सब खाली हाथ है। इनने बोले हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में बैठेंगे, वो हवाई जहाज जी बेच दिए, बताओ एयरपोर्ट बेच रहे हैं, रेलवे बेच रहे हैं, अस्पतालें बेच रहे हैं, अब बताए अब गरीब आदमी कहाँ जाएगा?
सबको बोले कि भैया 15 लाख आएंगे, मेरे पास तो 15 पैसे नहीं आए। बताओ, हम आम जनता बिल्कुल परेशान है, त्रस्त है। ये हम तो ये सोच के अच्छी सरकार लाते, अच्छी जनता को वो करते तो अच्छा लगता। वो है जावार तुम्हारी नज़र में अच्छी सरकार? इस बार तो अखिलेश जी चल रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल। चलो, चूंकि अखिलेश जी की बात हो गई, उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की, हम बात करें अपने बमीनी विधानसभा, क्योंकि जहाँ रहते हैं वहाँ भी तो बात करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा प्रतिनिधि चाह रहे हैं आप जो आपके टुक टुक में आए, यहाँ की रोड चमका दे, हर समस्या का निराकरण, कौन सा प्रत्याशी चाह रहे हैं? अभी तो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसको चुनेंगे हम उसको वोट देंगे। हमारे साथ और भैया, क्या नाम है आपका? विशाल। विशाल जी, आप बताइए कैसा सरकार चाहिए आपको बमीना के अंदर और प्रदेश में? बमीना एवं प्रदेश के अंदर समाजवादी सरकार चाहिए जो गरीबों को लेकर चले, जो गरीबों को लेकर चले, जो सबको लेकर चले। आप बताइए सरकार में क्या बता दिया? कोई चार काम नहीं गिना सकता है सरकार में? समाजवादी सरकार में हजारों काम, कन्या विद्यादन ले लो, सौ नंबर ले लो, आप कितने भी काम, पूर्वांचल एक्सप्रेस ये तो उद्घाटन किए इनने, तो ये अपना झांसी का ब्रिज ले लो, इसका भी उद्घाटन आदरणीय मोदी जी ने किया, योगी जी ने किया था। अभी ये भी समाजवादी सरकार का काम था। जो उद्घाटन कैसे चाहिए बमीना के अंदर? बमीना के अंदर हमें प्रतिनिधि माननीय वीरेंद्र प्रताप सिंह और वीरू भैया जी चाहिए, जो हर गरीब को और ऊपर से नीचे तक सबको लेकर के साथ चले। उनको हमें कैसे ही प्रत्याशी हमें चाहिए, आदरणीय यूपी में समाजवादी सरकार चाहिए, बबीना वीरेंद्र प्रताप सिंह और वीरू भैया। आपको चाय की दुकान है? चाय की दुकान है और वीरू भैया के प्रति मेरा लगाव है। अच्छा, आपको बता दीजिए, चाय की दुकान है, इनकी चाय की दुकान पे 1,000 से 1,500-2,000 लोग बाग रोज चाय पिया, तो वास्तव में इन्हें ज्यादा जानकारी इन्हें बताइए। भाई साहब ये बताओ, लोग बाग आप उनके मिला चाय पीजिए, क्योंकि आपस में बात करें, जैसे सरकार आ जाए, जैसे प्रत्याशी। यदि वीरू भैया को टिकट मिलता है समाजवादी पार्टी से, 100% सीट निकलेगी बबीना विधानसभा से। ये आपका दावा है? हमारा दावा है, यदि वीरू भैया को टिकट मिलता है तो सीट समाजवादी पार्टी की ही निकलेगी। 25 साल से एक बार निकली, बस आदरणीय रतनलाल अहिरवार जी निकले थे, एक ही बार सीट निकली थी और अभी तक सीट नहीं निकली समाजवादी पार्टी। यदि वीरू भैया को टिकट मिलता है तो 100% सीट निकलेगी समाजवादी पार्टी। अच्छा, और भी लोग हमारे साथ जुड़ गए, भाई साहब आ गए दूर। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। भाई साहब क्या है, लोग बहुत चर्चा कर ली, सब तरफ आ गए सरकार। देखिए, वैसे मैं भी प्रेस से ताल्लुक रखता हूँ, बहुत बढ़िया, और मैं भी सर्वे करता हूँ, तो इस भारतीय जनता पार्टी से हर तबका परेशान हो चुका है, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, और गरीब लोग हैं बिल्कुल बेकार हो चुके कहते हैं। हमें ना तो कोई सुविधा मिल रही हो ना कुछ, और कुछ क्या कहें, आप तो खुद समझदार हैं और प्रेस से आप भी अंदर से मैं भी हूँ, तो मैं किसी एक की नहीं कहूँगा। हालांकि मैं क्षेत्र में घूमता हूँ तो अधिकांश लोग समाजवादी पार्टी को मतलब झुकते हुए नज़र आ रहे हैं, और उनके जो दावे हैं वो दावे तो फेल हो गए। जनता गरीब 15 लाख कहाँ दिए, 15 लाख का जुमला दिया, तमाम चीज़ें हैं, और अधिकांश काम इस सरकार में क्या हो रहा है, फिर जो पिछली समाजवादी पार्टी की सरकार थी उनकी जो योजनाएं थी उनका नाम बदला जा रहा है। नाम बदलने के अलावा इस सरकार के पास कोई काम नहीं है, और आप देखिए आगे बदलाव होगा तो कि टिकट किसी को भी दे दें वो, हम उनके साथ, हम पर्सनल किसी की नहीं बोलेंगे, जिनको वो टिकट देंगे। प्रधान जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं मौके पर, नमस्कार, आप बताइए आखिरकार यहाँ की जनता तो समझ लो जी के मौत है, सब बुराई कर रही, तो होगा जो बदलाव? मैं एक तो किसान घर से परेशान हो गया और इसलिए भी पड़े और आदमी का रुख ही बदल गया, सब लोग केवल अखिलेश की तरफ बोल रहे हैं। अच्छा, अखिलेश जी भैया आप बताइए, आप अभी आए? नमस्कार। तुम तो ये वहाँ गलियन में घूमा चाहिए, मोटरसाइकिल खटर पटर होता नहीं, मतलब रोड के वजह से खटर पटर होता नहीं, दिक्कत आ चाहिए पता है, जब आप बता दो समाजवाद ऐसी यार, तुम लोग सफाई के होगा? सफा के हैं हम, सफा के हो तुम जी, हमारे साथ और लगा है नाम है असलम खान, नाम है असलम खान। ये आजादी पहले राजनीति ले ली हमने, अब चाहिए मोदी से आजादी मिल जाए, मट्टो सुना ला तो अकाउंट और हमने ले ली, अब मोदी से आजादी मिल जाए तो जी गया, बिल्कुल बर्बाद हो गए हमारी। बस मजा हो रहा है, क्या चाहिए 2022 में, बदलाव चाहिए कि नहीं चाहिए, बदलाव चाह रहा है कोई सरकार चाह रहा है? नहीं नहीं, अबे 5 साल और यही हो रहा है, सही बच्चे चुके सब। जा देख लो बमीना के लोग सबके मन में क्या कह रहा है, जो आपने देख लो, ये किसी को नाम ले रहा है, कौन सी पार्टी को नाम ले रहा है, जो बमीना की जनता ने जो बता दो, जो क्लियर होगा
खाने के बगल में चर्चा हो रही थी, हमने इधर चाय भी पी, बेहतरीन लोगों से मुलाकात की, सब लोगों ने चर्चा करी, सब लोगों ने अपनी मन की बात आज हमारे चैनल पे बता दी। अब देखने वाली बात है कि आखिरकार 2022 में कौन विधायक बनकर इन ग्रामीण वासियों की समस्याओं का निदान करेगा, कौन सा प्रतिनिधि 2022 में चुनावी मैदान में जीत कर काम करेगा। कैमरामैन ऋतिक के साथ देवेंद्र कुमार, संवाददाता देव न्यूज 86।